नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्धनी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आपके दिल का डॉक्टर। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हार्ट की मरीजों में खांसी हो सकती है क्या। तो हार्ट फेलियर यानी हार्ट जब आपका थक जाता है, आपका पंपिंग फंक्शन कम है, तो आपको खांसी हो सकती है। आपका वजन बढ़ सकता है, आपको थकावट महसूस हो सकती हो, आपको हाथ पैरों पे और शरीर पे सूजन आ सकती है। हार्ट फेलियर में खांसी आना काफी सामान्य है। उसके बाद में बात आती है कि बाकी और कौन सी बीमारी है जिसमें खांसी आ सकती है हार्ट की। तो उसमें है क्रोनिक माइट्रल स्टेनोसिस, यानी आपका जो माइट्रल वॉल, एक वॉल होता है हार्ट में, वो कैल्शियम और सब चीजों से कड़क हो जाता है या अकड़ जाता है, उसका सिकुड़ जाता है जो छेद होता है, तो उसके कारण भी आपको खांसी हो सकती है। साथ में पेरिकार्डाइटिस यानी आपके हार्ट के जो कवर है उसमें अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसमें भी खांसी हो सकती है। साथ में अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़े के नसों में खून का थपका जम जाता है तो भी आपको खांसी हो सकती है। लेकिन इसमें से सबसे कॉमन जो हम पेशेंट देखते हैं जो होते हैं वो हार्ट फेलियर वाले होते हैं, जिनमें खांसी आती है। और उसके कारण पेशेंट कभी कभी अस्थमा की दवा ले जाता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोई लोकल लेवल पे वो अस्थमा की दवा या का फार्मेसी से अस्थमा की दवा चालू कर देते हैं और बाद में पता चलता है जब पेशेंट आता है तो अब एकदम एडवांस हार्ट फेलियर यानी एकदम लास्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में हमारे पास आती है। तो बिल्कुल अगर आपको खांसी के साथ में अगर आपका वजन बढ़ रहा है, हाथ पैरों पे सूजन आ रही है, चेहरों पे सूजन आ रही है, थकावट महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, छाती में हेवीनेस जैसा, भारीपन जैसा लग रहा है, तो आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो सतर्क रहिए। तो ये हो गया आज का वीडियो हार्ट फेलियर के बारे में। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल हेल्दी हार्ट बाय डॉक्टर प्रदीप डब्ल्यू से जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए फिर से बनाऊँ। धन्यवाद।